राधे राधे एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो तुलसी माला के ऊपर है। क्या पीरियड्स में तुलसी माला पहन सकते हैं? क्या पति पत्नी संभोग करते समय भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं? क्या मलमूत्र त्यागते समय भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं? क्या तुलसी माला धारण करके लहसुन प्याज आप खा सकते हैं या फिर नॉनवेज खा सकते हैं? तो आज का जो वीडियो है, काफ़ी सारे मेरे पास ये प्रश्न आते हैं कि तुलसी माला पहनकर क्या हम लहसुन प्याज खाते हैं, या फिर मैं कहीं पहनकर जाती हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं क्या तुम लहसुन प्याज खाती हो जो तुलसी माला धारण कर रखी है। तो इन्हीं का आज सभी का मैं जवाब लेकर के आई हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा के साथ साथ इसे गले में धारण करने का भी एक अलग ही महत्व है। इसके साथ ही तुलसी माला से जाप के साथ गले में भी धारण करते हैं। जिस तरह से घर में तुलसी का पौधा लगाने के फायदे होते हैं, ठीक उसी प्रकार गले में भी तुलसी माला धारण करने के अनेकों फायदे होते हैं। तुलसी के माला पहनने से पहले आप पहले उसको गंगा जल के छींटे लगाकर या गंगा जल से धो करके उसके बाद जब वो सूख जाए उसके बाद ही आप अपने गले में धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और कृष्ण भक्त तुलसी माला धारण करते हैं। मान्यता है कि इस माला को पहनने से आपका मन शांत रहता है और आत्मा पवित्र होती है। तुलसी माला को पहनने से रोगों से छुटकारा मिलता है। क्या तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? मेन क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आता है, प्याज लहसुन को तामसिक भोजन की गिनती में माना जाता है। तामसिक भोजन हम जितना खाते हैं हमारा जीवन उतना ही दूषित होता है। तामसिक भोजन से अगर आप बच सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बच पा रहे हैं, मजबूरन अगर आपको प्याज लहसुन खाना भी पड़ रहा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तुलसी माला कोई फैशन दिखावे के लिए नहीं पहनी जाती है। तुलसी माला हमें बुराइयों से दूर करती है। लहसुन प्याज का प्रयोग आप चाहें तो दवाई के तौर पर भी कर सकते हैं और किया भी जाता है। लहसुन प्याज का प्रयोग करने वाले भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। जब हम भगवान विष्णु जी को भोग समर्पित करते हैं तो सबसे पहले भोग में तुलसी दल रखा जाता है, यानी तुलसी दल डाला जाता है, तभी भोजन स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी द्वारा दिया गया हमारा शरीर है जो हम रोजाना उनको समर्पित करते हैं, तो हमें ठाकुर जी तब स्वीकार करेंगे जब हम अपने गले में कंठ में तुलसी माला धारण करेंगे। तो हम सभी को तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। कैसी भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, आपको तुलसी माला नहीं उतारनी होती है। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है, क्या जब हम वॉशरूम जाते हैं तो क्या तुलसी माला कंठी माला उतार करके जाना चाहिए? क्या स्नान करते समय तुलसी माला उतार देनी चाहिए? तो तुलसी माला आपको कभी भी नहीं उतारनी है, कहीं भी नहीं उतारनी है। जो जपमाला होती है उसके कुछ नियम होते हैं, वॉशरूम में नहीं ले जाते हैं उन चीज़ों को। तो जो हमने गले में कंठी माला धारण कर रखी है उसे नहीं उतारना होता है। कहा जाता है जब तुलसी माला से स्पर्श होकर जो जल जब जाता है तो सहस्त्र नदियों का फल प्राप्त होता है। गंगा यमुना नदियों में स्नान करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए किसी भी कंडीशन में आपको तुलसी माला नहीं उतारनी है। अगर आपके गले से स्वयं ही तुलसी माला टूट जाए तो वो एक बात अलग है, तो आप दूसरी माला को धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया है आपको कि आप गंगा जल के छींटे लगाकर या गंगा जल में धो करके जब वो सूख जाए तब फिर से आप गले में धारण कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि तुलसी माला विवाहित महिलाओं को यानी सुहागन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए, या फिर तुलसी माला पीरियड्स टाइम पर नहीं पहननी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे विवाहित महिला हो या कुंवारी कन्या हो, हम सभी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। तुलसी माला हमारे शरीर को शुद्ध करती है। हर कंडीशन में तुलसी माला पहन कर रखनी चाहिए। हमें तुलसी माला पवित्र करती है, ना कि कोई हमें दोष उत्पन्न होता है। पति पत्नी संबंध बनाते समय भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं।
तो हमें हमेशा ही तुलसी माला अपने गले में धारण करके रखनी है, कभी भी और कहीं भी हमें तुलसी माला नहीं उतारनी है। आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जिन लोगों को ये लगता था कि हम लहसुन प्याज खाते हैं तो तुलसी माला नहीं धारण कर सकते हैं, आप बेझिझक तुलसी माला धारण कर सकते हैं। जब आपकी भक्ति का भाव उस लेवल तक पहुँचेगा तो आपका स्वयं ही मन उन चीज़ों से हट जाएगा, आप खुद ही उन चीज़ों को छोड़ देंगे। और अगर नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तब भी आप ये तुलसी माला ज़रूर और ज़रूर धारण कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।